नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर एग्ज़ाम में कम से कम नहीं 5 नंबर का तो आता ही आता है, ठीक है। तो आज हम कंप्यूटर की शुरुआत करने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। आज पूरा बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे हम लोग, ठीक है। जिनको नहीं आता है या फिर जो लोग कंप्यूटर में जीरो भी हैं उनको भी पूरा समझ में आएगा। तो ठीक है, पढ़ते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर शब्द आया कहाँ से है। तो कंप्यूटर शब्द आया है ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा के कंप्यूट से, ठीक है। ग्रीक भाषा का वर्ड है कंप्यूट, इसका मतलब होता है गणना करना, ठीक है, गणना करना। इसी से हमारा बना है क्या, कंप्यूटर। हिंदी में है गणना करना, तो कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर को कहेंगे संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, ठीक है। अब एक बार और जान लेते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता क्या है। कंप्यूटर जैसे हम लिखते हैं COMPUTER, ये कंप्यूटर का स्पेलिंग है, ठीक है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है सी से कॉमन, ओ से हो गया हमारा ऑपरेटिंग, एम से हो गया मशीन, पी से हो गया पर्पजली, या फिर कुछ लोग इसको लिखते हैं पर्टिकुलरली। ये दोनों सही हैं, मतलब अलग अलग किताबों में आपको मिल जाएगा, दोनों लिखे रहते हैं पर्पजली या पर्टिकुलरली। यू से है यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशनल, आर से हो गया हमारा रिसर्च। तो इस तरह हम देखते हैं फुल फॉर्म है कंप्यूटर की कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, टेक्निकल एंड, ठीक है, टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। मतलब ऐसी मशीन जो हम टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ करें, एजुकेशन में भी यूज़ होता है और रिसर्च में भी यूज़ होता है, वो क्या कहलाती है, हमारी कंप्यूटर कहलाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर के डेफिनेशन क्या होती है या कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर हम कहते हैं कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो अरिथमेटिक और लॉजिक जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करती है, ठीक है। मतलब जो गणित के या फिर जो तर्कपूर्ण जो गणनाएं होती हैं उनको सॉल्व करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, ये क्वेश्चन आता है, ये बैंकिंग में भी आ चुका है पहले। तो कंप्यूटर की कैसे कार्य करता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर में ना डाटा डालते हैं, डाटा क्या होता है हमारा, डाटा होता है रॉ फैक्ट्स, ठीक है। तो रॉ फैक्ट्स क्या होते हैं, मतलब कच्चे तथ्य होते हैं जो मतलब जिसका कोई जो हम मिला देते हैं ना तो भी उसका कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष नहीं होता है, कोई आउटपुट हमको नहीं मिलता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कार्य प्रणाली में, मतलब कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो पहले हम क्या कहते हैं करते हैं, पहले हम ना डाटा देते हैं कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर जो होता है डाटा एक्सेप्ट करता है, मतलब डाटा लेता है वो, ठीक है, डाटा एक्सेप्ट करता है। फिर दूसरा काम क्या होता है, फिर हम लोग ना निर्देश देते हैं, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, डाटा को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो वो निर्देशों के अनुरूप जो डाटा को प्रोसेस करता है, निर्देशों से डाटा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब डाटा प्रोसेस कर लिया है उसने, ठीक है, मतलब डाटा को अरेंज कर लिया है, हमको जो चाहिए वो हमको मिल जाएगा। तो जो प्रोसेस के थ्रू जो मिलता है हमें आउटपुट, वो उसको ना स्टोर करता है, आउटपुट को स्टोर करता है, ठीक है।
आउटपुट उसको स्टोर कर लिया उसने, ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर वो हमें देगा भाई, हमने जब दिया है डाटा तो वो हमें आउटपुट देगा। तो फिर हमें क्या देता है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा है कि हम जब चाहें भविष्य के लिए, मतलब जो आउटपुट है ना, जो स्टोर है, वो हम जब चाहें भविष्य में उससे हम निकाल सकते हैं। मतलब गिव्स रिक्वायर आउटपुट, तो ये चार हमारे जो पॉइंट्स हैं, यही हमारे जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली होती है, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के मेन तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर समझ जाएंगे, जो हार्ड होता है, मतलब हार्ड चीज़ें क्या छूने में आती हैं, उसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। मतलब जो कंप्यूटर होता है, जैसे कंप्यूटर हमारा क्या होता है, एक टीवी जैसा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉनिटर, ठीक है। बगल में एक डिब्बे जैसा होता है, उसको क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा सीपीयू। एक बोर्ड होता है काला काला इतना बड़ा सा, उसमें बटने लगी होती है, उसको क्या कहते हैं, यहीं पे रखा होता है, उसमें बटने लगी होती हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो हो गया हमारा कीबोर्ड। और एक होता है चूहा, इधर से आता है, पूंछ लगी होती है, उसमें दो बटने होती हैं, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक, ठीक है। उसी चूहे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, माउस, उसको हम माउस कहते हैं, जिंदा वाले को हम चूहा कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंप्यूटर, इसमें हमको जो भी दिखाई पड़ रहा है, जो भी हम छू सकते हैं, चाहे वो मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, सीपीयू हो, या सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है, रैम होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम छू सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हार्डवेयर में आता है, ठीक है। अब दूसरा कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर बना होता है प्रोग्राम से, ठीक है, और प्रोग्राम किससे बनता है, इंस्ट्रक्शन से। इंस्ट्रक्शन किस कहाँ से आते हैं, जो हम निर्देश देते हैं, ठीक है, जो हम निर्देश देते हैं उनको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो बहुत सारे जब इंस्ट्रक्शन को मिला दिया जाता है तब क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है, और जब बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ मिला दिया जाता है तब क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, मतलब केवल उसमें टाइप होता है, वो अंदर उसके सिस्टम में रहता है, ठीक है, उसको हम छू और देख नहीं सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और तीसरा कंपोनेंट होता है डाटा। डाटा मैंने अभी आपको बताया, डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं, कच्चे तथ्य होते हैं, जो हम कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, ताकि हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमको मिल जाए। तो ये हमारा तीन कंपोनेंट्स हो गए। तो आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं की और उसकी लिमिटेशंस की। तो आइए बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला होता है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है, ठीक है, कंप्यूटर जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड को हम हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक। लेकिन जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो हम किस में नापते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियन मतलब 10 लाख होता है, 10 लाख इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड में, ठीक है। तो कंप्यूटर की स्पीड ना इससे भी ज़्यादा तेज होती है, वो तो एक सबसे छोटी इकाई है नापने की, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो एक मनुष्य जो है एक साल में जितना काम करता है ना, तो कंप्यूटर कुछ सेकंड में ही वो काम कर देता है, ठीक है। तो ये होती है कंप्यूटर की स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है, उसको MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में नापते हैं, ठीक है। दूसरा हुआ ऑटोमेटिक। कंप्यूटर क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है, वो बिजली से चलता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, उसको चलाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, डाटा देना होता है बस, और फिर क्या वो ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट दे देता है, ठीक है। तीसरा है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता,
मतलब जो भी हम डाटा डालते हैं, जो उसका आउटपुट आता है, अगर प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी ना हो और निर्देश जो हमने दिए हैं और डाटा जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो, तो वो जो रिजल्ट हमको देता है, आउटपुट जो देता है, वो पूरे रूप से विश्वसनीय होता है, मतलब 100% सही होता है, ठीक है। तो उसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं, और उसकी स्पीड पर और कंप्यूटर पर हम रिलाय कर सकते हैं, मतलब उस पर विश्वास कर सकते हैं कि जो इसने किया है वो सही ही है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथी, परमानेंट स्टोरेज। कंप्यूटर में जो हम आउटपुट जो होता है स्टोर करते हैं, या जो डाटा स्टोर करते हैं, वो हम लगभग कई सालों तक की उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम याद करते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में अगर हमने डाल दिया तो भूलता नहीं है, बस उसमें सर्च करना पड़ता है, बस तुरंत ही 2 सेकंड में ही वो आपको दे देता है, ठीक है, कि मतलब आप क्या खोज रहे हैं वो आपके सामने आ जाता है। तो परमानेंट स्टोरेज, उसमें हम लंबे टाइम के लिए कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं, चीज़ नहीं मतलब डाटा वगैरह, ठीक है, डाटा स्टोर कर सकते हैं। पांचवा है लार्ज स्टोरेज। अब तो भाई देखिए मोबाइल भी आ गए हैं 6 GB में, तो उनकी भी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो कंप्यूटर की तो और भी है, टीवी वगैरह में जाती है। तो जब हम मेमोरी पढ़ेंगे, स्टोरेज डिवाइस पढ़ेंगे, तब हम उसमें आपको बताएंगे कि MB KB और ये जो टीवी वगैरह हैं, ये इसमें कितना क्या होता है, ठीक है, उनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो अभी समझ लीजिए कि जो लार्ज स्टोरेज होता है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डाटा उसमें हम फूस सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक। तो लार्ज स्टोरेज, ठीक है। अब देखिए छठा, वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मतलब विविधता, विविधता मतलब जो कंप्यूटर होता है वो एक ही टाइम में, एक ही समय में कई तरह के कार्य कर सकता है, ठीक है, कई तरह की जो कैलकुलेशन होती है उनको परफॉर्म कर सकता है। मतलब ये नहीं कि एक टाइम में वो एक ही कैलकुलेशन परफॉर्म करे, वो एक साथ कई चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्सेटिलिटी। सातवां है रिपीटिशन। कोई भी चीज़, जैसे एक कोई एक चीज़ है, तो हम जितनी बार उसको देंगे वो उतनी बार करेगा, वो मतलब प्रोसेस वो रिपीट करता रहेगा, अगर हम जितना चाहेंगे वो उतनी बार रिपीट करेगा, रिपीटिशन होता है, ठीक है। और ये मना भी नहीं करता है कि अब हम नहीं करेंगे, जैसे आप किसी को कह दीजिए कि रोज़ एक ही काम कहिए, रोज़ एक काम कहिए, तो एक दिन वो कह देगा कि अब हम नहीं करेंगे। लेकिन ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं कहता है कि हम नहीं करेंगे, ये रिपीटिशन करता रहता है जब तक आप चाहें। आठवां हमारा एजिलिटी। एजिलिटी मतलब होता है स्फूर्ति, स्फूर्ति मतलब बहुत फुर्तीला होता है, तेज होता है, और इसको ना जैसे जैसे आदमी नहीं होते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, अब जा रहे हैं हम बाहर थोड़ा 2 मिनट के लिए ब्रेक लेके आते हैं, खाना खा के आते हैं, तो वो चीज़ नहीं है इसके साथ में, ये बिना रुके कई घंटों तक, महीनों तक काम करता ही रहता है, ठीक है, काम करता है, इसको थकान भी नहीं होती है, कमजोरी भी नहीं होती है, ना भूख लगती है, केवल बिजली चाहिए इसको बस नहीं तो फिर वो भी ठप पड़ जाएगा। नाइन्थ में है सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब गोपनीयता, सीक्रेसी मतलब गोपनीयता, ठीक है, मतलब जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो गोपनीय रहेगी जब तक किसी को उस कंप्यूटर का पासवर्ड ना पता हो। अगर कोई इंफॉर्मेशन लीक हुई है तो इसका मतलब कोई पासवर्ड जानता था उसने निकाल ली है, या फिर आपका कंप्यूटर हैक हो गया है, ठीक है, या फिर उसमें वायरस है। तो कंप्यूटर ना गोपनीयता होती है, अगर वायरस का टर्म हटा दिया जाए तो बिल्कुल गोपनीयता होती है उसके काम में, ठीक है, जब तक कि कोई पासवर्ड आपका ना जाने, आप पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए कंप्यूटर का। 10th है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होती है त्रुटिपूर्ण रहित, मतलब त्रुटि रहित। कंप्यूटर में जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके थ्रू, उसके आधार पे जो वो हमको आउटपुट देता है वो बिल्कुल त्रुटि रहित होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। मतलब जैसे हम कोई अरिथमेटिक क्वेश्चन देते हैं तो पॉइंट में जितने हम, जैसे कोई किसी बच्चे को दे या कोई आदमी करे, मनुष्य करे, तो पॉइंट के बाद 2-3 निकाल के छोड़ देंगे, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, पॉइंट के बाद जितना आएगा वो सब निकाल के रख देगा, ठीक है।
तो त्रुटि रहित होता है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट देता है। अगर इंस्ट्रक्शन में और प्रोग्राम में डाटा में कोई गड़बड़ी नहीं है तो आपका जो आउटपुट होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो आइए 10-11 देखते हैं। क्विक डिसीजन मतलब जल्दी निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, क्षमता तो क्विक डिसीजन मतलब इसमें है ना, ऐसे प्रोग्राम ही ऐसे किया जाता है कि वो उसको निर्णय लेने में कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए आगे गेट वेट जो आते हैं उसमें ये क्विक डिसीजन वाले जो प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व कराए जाते हैं। ठीक है, तो वो अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो क्विक डिसीजन, अब ये हो गई हमारी विशेषताएँ। अब बात कर लेते हैं कुछ उसकी लिमिटेशंस की। लिमिटेशन, कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है? पहले तो बात है कि वो है एक बुद्धिहीन, बुद्धू बक्सा है। ठीक है, मतलब उसके पास अपना कोई दिमाग नहीं है, नो माइंड, मतलब इसको हम लगते हैं हिंदी में बुद्धिहीन। जैसा हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसा हम कहेंगे वो करेगा, वो अपने दिमाग से कुछ भी नहीं कर सकता है। अब भविष्य की बात किसी ने नहीं देखी है कि मतलब बताते नहीं है कि अब भविष्य में सब कंप्यूटर ही करेंगे, मशीन ही रहेंगी सब कुछ, तो अभी फिलहाल उनके पास कोई दिमाग नहीं है। ठीक है, ये उनकी पहली लिमिटेशन है, वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते जब तक हम उनको इंस्ट्रक्शन ना दें। ठीक है, ये बुद्धिहीन होती है। दूसरा होता है खर्चीला। खर्चीला मतलब कोई भी कंप्यूटर आप लेंगे मतलब 25-30 हज़ार रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, खर्च करना पड़ेगा तभी आपको कंप्यूटर मिलेगा, तो पैसा लगता है भाई कंप्यूटर लेने में, तो इसीलिए इसको कह देते हैं खर्चीला। अब तीसरी आई बात जो मैंने यहाँ कही थी, बिजली चाहिए उसको, मतलब विद्युत पर निर्भरता। बिजली नहीं रहेगी तो कंप्यूटर भी कहेगा मैं भी जा रहा हूँ एक आध घंटे घूम के आता हूँ, बाद में काम करते हैं। ठीक है, तो विद्युत पर ही चलता है, बिजली गई तो वो भी चला जाएगा। ठीक है, उसमें काम नहीं कर सकते हैं। अब चौथा होता है वायरस, चौथा होता है हमारा वायरस, चौथा वायरस है। ठीक है, कंप्यूटर में वायरस भी लगने का खतरा होता है क्या, जिससे जो है हमारे जो हार्डवेयर कभी कभी सॉफ्टवेयर बिल्कुल खराब हो जाते हैं, तो जो हमारा डाटा होता है वो भी लीक हो जाता है वायरस से। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इससे बचने के लिए हम एंटीवायरस डालते हैं। ठीक है, एंटीवायरस का यूज़ कर सकते हैं, तो जो वो हमें वायरस से बचाता है। बाकी ये तीन तो परमानेंट रहती हैं फिलहाल। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा आज कंप्यूटर में, कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, उसकी कार्यप्रणाली पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, लिमिटेशन भी पढ़ ली। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियो में हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब एग्जाम में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, उसकी जनरेशन हो गई, कंप्यूटर का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, पास्कल और एबेकस, ये सब जो इनियक एडवैक, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।